भारतीय वाल्मीकि महासभा की ओर से वाल्मीकि प्रकट उत्सव की पूर्व संध्या पर रामपुर रोड पर वाल्मीकि भगवान की महाआरती कर हलवे के प्रसाद का वितरण किया गया। इसके साथ ही अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के पदाधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया, जिसमें युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वाल्मीकि, प्रदेश सचिव जयवीर सिंह, मंडल अध्यक्ष आनंद राही, मंडल उपाध्यक्ष कपिल कुमार राजौरिया, जिला अध्यक्ष सत्यपाल वाल्मीकि, जिला महामंत्री अभिषेक रत्नाकर, जिला उपाध्यक्ष मुकेश भारती और जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मुल्तानी के साथ अशोक कुमार वाल्मीकि, कार्यकारिणी अध्यक्ष अमित कुमार वाल्मीकि समेत कई पदाधिकारियों को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही इस मौके पर हलवे का प्रसाद का वितरण कर लाभ कमाया गया। आज भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में आज जो है अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के पूरे संगठन के द्वारा जैसे हर साल के भांति आज भी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे पूरे अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के कार्यकर्ता और सभी भाई मौजूद हैं और अपनी योग्यता निभा रहे हैं। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम सतपाल वाल्मीकि है, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा से। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और मेरे संगठन का बहुत बड़ा, मेरे पदाधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ रहा। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, आज सब मिलकर के भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव मना रहे हैं और अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह नुक्कड़ों में, शहर में, गली में, मोहल्लों में भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव बहुत धूमधाम से मना रहा है। आज भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की तरफ से आज ये प्रसाद का कैंप यहाँ लगाया गया है और सभी इस प्रसाद को खाएं और भगवान वाल्मीकि भगवान को जो विचारधारा उन्होंने अपनाई, उन्होंने एक संदेश दिया, मैं भी इस दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ कि सभी उनके विचारधारा पर चलें और अमन प्यार का सभी के अंदर ज्योति जगती चली जाए।